हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह कहते हैं, दिल से कहते हैं, दिल से, माशाल्लाह। जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। देखें, फरहान भाई, बस बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आराम से सुनने आओ। जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं भाई? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जा भी सकते हैं। मैं उस मखलूक से मुलाकात करूंगा जिनको जिन्नात कहते हैं, समझे आप? हाँ, जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है, और आपकी याद से अतराफ महकता है मेरा, जिंदगी हल्के लोबान में आ जाती है। आपकी याद से अतराफ महकता है मेरा, जिंदगी हल्के लोबान में आ जाती है, जिंदगी हल्के लोबान में आ जाती है। मेरे भाई एमन आजमी ने बड़े बड़े शेर पढ़े, मैं अजहर नागपुरी के दो तीन मिसरे पढ़ता हूँ। अगर शेर बहुत अच्छा नहीं तो शायद बहुत ज्यादा दूर तक आप इसको एहसास नहीं कर सकते। देखें आप, अजहर नागपुरी कहते हैं कि इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया। देखें आप भाई, शमशु कुमार भाई, अभी बात हो रही थी कि अच्छे शेर की, अब देखें आप। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इतना ही बस कहा था कि सरकार आइए, मुश्किल जमीन पे ठहर गई, सर पकड़ लिया। इतना ही बस कहा था कि सरकार आइए, मुश्किल जमीन पे ठहर गई, सर पकड़ लिया। इतना ही बस कहा था कि सरकार आइए, मुश्किल जमीन। शेर बहुत अच्छा है। बस ये समझे आप कि मेरी आखिरी कुर्बानी है, मुझे इसमें कामयाब हो लेने दें आप, समझे आप? हाँ, जिंदगी यूं नबत सुलूकी कर, कौन हम बार बार आएंगे, समझे आप? मुझे ये सोच कर आप सुन ले कि जिंदगी की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। माशाल्लाह, देखें आप, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इतना ही बस कहा था कि सरकार आइए, मुश्किल जमीन पे ठहर गई, सर पकड़ लिया। हम मेराज के हवाले से देखें, शबे मेराज के हवाले से, जब जॉन एलिया ने कहा था कि बता रही है सियाएं यहाँ से गुजरे हैं, हुजूर क्या रविशे कहकशां से गुजरे हैं, है मुख्तसर यही अफसाने शबे मेराज। चाहे भाई, चाहे भाई, चाहे भाई, देखे नगर इसमें चाय पिलाइए, इसलिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पहला जीना यही है। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, जब जॉन एलिया ने मेराजे रसूल के हवाले से कहा था कि बता रही हैं सियाएं यहाँ से गुजरे हैं, हुजूर क्या रविशे कहकशां से गुजरे हैं, है मुख्तसर यही अफसाने शबे मेराज, जहाँ से कोई ना गुजरा वहां से गुजरे हैं, है मुख्तसर यही अफसाने शबे मेराज, जहाँ से कोई ना गुजरा वहां से गुजरे। अब देखें शमशो कुमार भाई और सब लोग देख लें कि इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इतना ही बस कहा था कि सरकार आइए, मुश्किल जमीन पे ठहर गई, सर पकड़ लिया। और ठहरा नहीं वो साहिबे मेराज उस जगह, जिब्रील ने भी डर के जहाँ पर पकड़ लिया। साहिबे मेराज उस जगह, जिब्रील ने भी डर के जहाँ पर पकड़ लिया। ठहरा नहीं वो साहिबे मेराज उस जगह, जिब्रील ने भी डर के जहाँ पर पकड़ लिया। चचा, जब मैं बहुत खामोशी से शेर पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। देखें यार, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, अपने नबी के नाम पर बोल दो या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। आने वाला शेर देखें उनके लिए जिनको वहाबी कहते हैं, जिनको देवबंदी कहते हैं। जब एक शायर ने कहा था कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं, तुम हाल उसका देखना मैदान हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। उसका देखना मैदान हश्र में, आका कहेंगे मैं उसे पहचानता नहीं। अरे एक ऐसी कौम है जो अल्लाह के नबी की तौहीन करती है, जिनके बारे में एक शायर ने कहा था कि बर्फ को छोड़िए पत्थर पे फिसल जाएगा, उसके चेहरे का हर एक रंग बदल जाएगा, जिसको सरकारे दो आलम से अदावत है मियां, पांव शबनम पे भी रखेगा तो चल चल।
हाँ शबनम कभी रखेगा तो चल जाएगा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी बार बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और दिल से बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और उसी आवाज में बोलते हैं या रसूल अल्लाह। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया, इतना ही बस कहा था कि सरकार आइए, मुश्किल जमीन पे ठहर गई, सर पकड़ लिया, और ठहरा नहीं वो साहिबे मेराज उस जगह, जिब्रील ने भी डर के जहां पर पकड़ लिया, जिब्रील ने भी डर के जहां पर पकड़ लिया, नामू से मुस्तफा पे खुली है कोई जबा, इतना सुना तो मैंने भी खंजर पकड़ लिया, नामू से मुस्तफा पे खुली है कोई जबा, इतना सुना तो मैंने भी खंजर पकड़ लिया, इतना ये सब नेपाली पैसे हैं क्या भाई, इतना सुना तो मैंने भी खंजर पकड़ लिया, इतना सुना तो मैंने भी खंजर पकड़ लिया, इतना सुना तो मैंने भी खंजर पकड़ लिया। अब आइए बड़े ही अदब एहतराम के साथ हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ कि जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान के उस शहर से है जिसे 22 मार्च गांव की चौखट का शरफ हासिल है, जहाँ सरकारे अमीरे खुसरू आराम कर रहे हैं, जहाँ सरकारे महबूबे इलाही आराम कर रहे हैं, जहाँ सरकारे चिराग नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी आराम कर रहे हैं, जहाँ 22 मार्च गांव की चौखट है, जहाँ इन सरकारों के मजारे मुकद्दस पे हाजिरी देकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नातिया शायरी के हवाले से एक बड़ा मशहूर, बड़ा मकबूल, बड़ा मसरूफ सनागर जिसे दुनिया जनाब फरहान बरकाती के नाम से याद करती है, मैं हिंदुस्तान के उस लहजे को आपके हवाले कर रहा हूँ कि दयारे शेर व सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी ये मीर से कहना, अता हो मुझको भी नाते रसूल का सदका, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।